नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन पोस्ट लगातार सर्किल वाइज भर्ती निकाल रहा है स्पोर्ट पर्सन के लिए। पहले यूपी सर्कल में वैकेंसी आई थी और अब भर्ती आ चुकी है दिल्ली सर्किल में। इसमें पूरे भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने कम से कम 10th लेवल तक हिंदी पढ़ी हो, 10th लेवल पर पढ़ी हो या फिर हायर लेवल पर आपने हिंदी पढ़ी हो, और आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास नेशनल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला है या फिर आपने स्कूल लेवल पर खेला है, तब भी आपको भर्ती देखने का मौका मिल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट दिल्ली सर्किल पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन और इसकी लास्ट डेट है 12 नवंबर। आप 12 नवंबर तक आपका भरा हुआ फॉर्म पहुंच जाना चाहिए दिए गए पते पर, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। फीस रखी गई है मात्र ₹100। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए 12 नवंबर तक, वो आप सुन लीजिए। या तो आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट में रिप्रेजेंट किया हो, या फिर आपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट स्कूल टीम्स में भाग लिया है उनको भी अलाउ किया गया है ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में अगर आपने खेला है, या फिर वो कैंडिडेट जिनके पास नेशनल अवार्ड है फिजिकल एफिशिएंसी का, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में उनको अलाउ किया गया है, तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की आई है, पोस्टमैन की आई है और आई है एमटीएस की दिल्ली सर्कल में। टोटल वैकेंसी की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 72 वैकेंसी है, पोस्टमैन की 90 वैकेंसी है और एमटीएस की आई है 59। ये डिफरेंट डिवीजन में आई है और आपको चॉइस देनी होगी। बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को 25,500 वाले ग्रेड में मिलेगी और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग ₹40,000 महीने। पोस्टमैन के लिए 21,700 वाले ग्रेड में वैकेंसी है, आपकी सैलरी होगी लगभग ₹33,000 महीने। वही एमटीएस के लिए स्टार्टिंग की सैलरी लगभग ₹30,000 महीने रहने वाली है। एज लिमिट की बात हम करें तो 12 नवंबर को काउंट होगी। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 28 से 27 साल एज लिमिट है। इसमें ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। 28 से लेकर 25 साल एज लिमिट रखी गई है एमटीएस के लिए। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन के लिए 28-27 साल, एमटीएस के लिए 28 से लेकर 25 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा बेसिक होना चाहिए, 1-2-3 महीने का हो, या फिर आपने 12th लेवल में या फिर हायर लेवल पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। तो अगर आप बीसीए वगैरह आपने कर रखा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आने से पहले आ जाना चाहिए। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप करना शुरू कर दीजिए, आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी। अगर हम बात करें पोस्टमैन की तो आप 12th पास हो, आपको राज्य की लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी आती हो और आपने कम से कम 10th लेवल पर पढ़ी हो या फिर हायर लेवल पर पढ़ी हो। इसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ज्वाइन करने के बाद 2 साल के अंदर आपको प्राप्त करना होगा, और बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो कैडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो भी अलाउ हैं, लेकिन उनको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एमटीएस के लिए आप 10th पास होने चाहिए, आपको हिंदी आती हो, साथ ही आपने 10th लेवल पर हिंदी पढ़ी हो या हायर लेवल पर पढ़ी हो। और जो कैडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं या 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, वो भी अलाउ हैं, लेकिन अतिरिक्त नंबर उनको नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स को अलाउ किया गया है। तो इसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, अटिया पटिया, बैडमिंटन, बाल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, डीफ स्पोर्ट, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक्स, इन सब के अलावा हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, कयाकिंग एंड कैनोइंग, खो खो, क्यूडो, मलखम्ब, मोटर स्पोर्ट, नेटबॉल, पैरा स्पोर्ट यानी जो पैरा ओलंपिक में गेम्स होते हैं उसमें जो स्पोर्ट आते हैं उनको शामिल किया गया है, पैनकेक, सिलेट, इसके अलावा पोलो, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रोइंग, रग्बी, सेपेक टेक्रो, इसके अलावा सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिकोइट, टेनिस, टेनिस बॉल क्रिकेट, टेन पिन बाउलिंग, ट्रायथलॉन, टग ऑफ वार, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, वुशु, रेसलिंग और याटिंग, ये आपके स्पोर्ट्स अलाउ किए गए हैं। और जो फॉर्मेट विज्ञप्ति में दिए गए हैं हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड करके उनको पढ़ लेना, और उसी फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको फॉर्म के साथ लगा के वो
भेजने हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन के लिए आपको आपकी क्वालिफिकेशन जो है, जो आपकी स्पोर्ट्स की योग्यता है, उसके बेस पर बुलाया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी पहले इंटरनेशनल वालों को, फिर नेशनल वालों को, फिर स्टेट लेवल वालों को, उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों को, यूनिवर्सिटी के बाद स्कूल वालों को, स्कूल के बाद वो कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में भाग लिया है उनको, उसके बाद वो कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर खेला है, स्कूल टीम में खेला है लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला है, उनको भी शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है। ये आपको पोस्ट ऑफिस में चालान के थ्रू जमा करानी होगी और वो चालान की कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपका कर भेजनी होगी। और जो चालान है वो आप 2 नवंबर तक ही फीस आप जमा करा सकेंगे, उसके बाद आप नहीं जमा करा सकेंगे। बात कर लेते हैं आपको फॉर्म के साथ क्या क्या लगाकर भेजना है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जिसमें मार्कशीट, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप कास्ट कैटेगरी का क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ अंडरटेकिंग, और अगर आपने कभी नाम बदला है तो वो डिटेल, एप्लीकेशन फी चालान, और पीएच कैंडिडेट है तो उसका फॉर्म आप लगा के भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन आप indiapost.gov.in पे जाके, वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म सभी डिटेल के साथ आपको कहाँ भेजना है, असिस्टेंट डायरेक्टर R&E, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल, मेघदूत भवन, नई दिल्ली 110001। या आप रजिस्टर डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे, उस तरीके से भेजेंगे कि 12 नवंबर तक पहुंच जाए। एक बात और हम आपको बता दें, ये जो एप्लीकेशन फीस है वो आप 2 नवंबर तक ही जमा करा पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। जो एनवलप आप भेजेंगे, जिसमें आप फॉर्म भेजेंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टमैन MTS इन दिल्ली पोस्टल सर्किल अंडर स्पोर्ट्स कोटा पोस्ट अप्लाइड फॉर स्पोर्ट डिसिप्लिन, या मेंशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पोस्ट का नाम आप लिखेंगे, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी में अपनी चॉइस मेंशन कर देंगे। तो आपको सभी पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरना है, आप चाहें तो इसी में अपनी चॉइस दे सकते हैं। आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करनी है, अपना नाम लिखना है, जेंडर, फादर्स नेम, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल आपकी है वो सब आप भरते हुए चले जाएंगे। ये सब भरने के बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप मेंशन करेंगे, बेसिक कंप्यूटर अटैच किया है नहीं किया है लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर 10th में 12th में पढ़ा है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन, आप जो भी क्वालिफिकेशन है जिस डिसिप्लिन में है उस पर टिक करेंगे, एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा टिक आप करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल आप भरेंगे और डिवीजन वाइज प्रेफरेंस आप अपनी देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो आप सब आप यहाँ मेंशन करेंगे, या फीस का डिटेल लिखेंगे और फीस की रसीद यहाँ आप चिपकाएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे और अपना नाम वगैरह लिख के यहाँ पे डेट प्लेस लिख के सिग्नेचर कर देंगे। डिक्लेरेशन नंबर 2 जो है वो SST OBC EWS वालों के लिए है, बाकी जो कैंडिडेट सामान्य से फॉर्म भर रहे हैं उनको नहीं भरना है। एक ये भी फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग है, ये भी हर एक कैंडिडेट को भरना है, ये भी आप भेजेंगे। ये सब चीज़ें आप भरेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएंगे, फीस रसीद लगाएंगे, फॉर्म पर चिपकाएंगे और इन सबको भेज देंगे आप दिए गए पते पर। अब बात कर लेते हैं ई चालान की। तो इस तरीके का आपका ई चालान होगा, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस की कॉपी होगी, एक कॉपी आपको फॉर्म के साथ लगा के भेजनी है, एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं जिसमें आप सारी डिटेल भरेंगे। इस पे जो सील वगैरह है वो सब क्लियर होनी चाहिए। तो आप एक बार पता फिर सुन लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर R&E, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल, मेघदूत भवन, नई दिल्ली 110001। आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, ये 12 नवंबर तक पहुँच जाए, फीस आप 2 नवंबर तक ही जमा करा सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।